हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिका चैनल। आज मैं आपको दिवाली पर बची हुई खीर का टेस्टी नाश्ता बनाकर दिखाऊंगी। ये चाट इतनी टेस्टी बनती है कि बच्चे और बड़े अगर एक बार खा लेंगे ना तो बार बार मांग कर खाएंगे। और इसमें कुछ मैंने ऐसा ऐड कर दिया जिससे ये चाट और भी ज्यादा टेस्टी बनी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी खीर को अच्छे से साफ करके ले लिया है। फ्रेंड्स, किसी किसी खीर के ऊपर छिलका लगा रहता है, आप उसे अच्छे से साफ करके ले लें। अब मैंने एक पैन लिया, गैस को ऑन कर दिया है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस को लो टू मीडियम पर करेंगे और इसमें खीर को डालेंगे। खीर को अच्छे से मिक्स करते हुए क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। खीर को इस तरीके से रोस्ट करने के बाद जब हम चाट बनाएंगे ना तो चाट बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। खीरों को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। इसी पैन में 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने थोड़ी सी कच्ची मूंगफली ली है, इन्हें हम फ्राई करेंगे। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इनको भी कंटिन्यूस चलाते हुए भूनेंगे और गैस को लो टू मीडियम पर रखेंगे। दाने अच्छे से भुन गए हैं और ये चटकने लगे हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब मैंने 1/2 कटोरी पोहा लिया है। पोहा को मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। पोहा डालने से ये चाट और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, एक बार आप लोग इस तरीके से जरूर ट्राई करें। पोहा को भी हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में 20 से 25 सेकंड का टाइम लगेगा। पोहा भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। इसी पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच राई डालेंगे। दोनों चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। 8 से 10 कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ते का इस चाट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तीखा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गैस को लो टू मीडियम पर रखेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें हल्का फ्राई करना, बस इतना कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है। 1/4 कटोरी फ्रोजन मटर डालेंगे। अगर आपको शिमला मिर्च इसमें डालना है तो वो इसी समय डाल दें। 10 सेकंड के लिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए, मटर भी हल्की सॉफ्ट हो गई है। इसको सॉफ्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी कंटिन्यूस चलाते हुए सॉफ्ट करेंगे। थोड़े से मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। सभी चीज़ों को मसालों के साथ में अच्छे से पकाएंगे। एक मिनट हो गया है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून चीनी डालेंगे। चीनी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस चाट में। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पसंद है तो चीनी को आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 बॉयल आलू को छोटे पीस में काट कर लिया है, इनको डालेंगे और मसाले के साथ में मिक्स करते हुए इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे कि आलू के ऊपर मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए और हल्का सा क्रिस्प हो जाए। आलू को 10 सेकंड के लिए मसाले के साथ में अच्छे से फ्राई कर लिया है। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का जूस ले लें। 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अब चाट बन रही है तो चाट मसाला तो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें फ्राई किए हुए खीर और पोहा डालेंगे और मसालों के साथ में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि मसाले की कोटिंग खीर में अच्छे से हो जाए। अब इस चाट को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच टमाटो सॉस डालूंगी। सॉस को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऊपर से 1/2 कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। फ्राई की हुई मूंगफली डालेंगे। ये मैंने नमकीन सेव लिया है, आपके पास जो भी नमकीन हो उसे ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। खीर डालने के बाद हम इसको बहुत देर तक नहीं पकाएंगे, नहीं तो खीर हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, खीर और पोहा की टेस्टी चाट बनकर तैयार है। आप लोग भी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें। अगर फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।